अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। पंजाब में इस वक्त स्मोक धुन का राज है, हर तरफ स्मोक ही स्मोक है। ऐसा लगता है कि जैसे दिन में भी रात का ही मंजर नज़र आ रहा है। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि ये जो है गुजरांवाला से लाहौर के आते हुए बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो करीबी जो चीज़ें हैं वो तो नज़र आ रही हैं, लेकिन दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से जो है पंजाब भर में स्कूल, कॉलेजेस और मुख्तलिफ अदारों को बंद किया गया है। कुछ जगह पर लॉकडाउन भी लगाया गया है और कहा गया जा रहा है कि जी आने वाले दिनों में जो है इस पे एक मनसूई बारिश करके इसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हर साल का ये मामला है और गुज़िश्ता अगर 25-30 साल से देखा जाए तो हर हकूमत ने कोशिश की कि इसको जो है ख़त्म किया जाए, लेकिन ये कि ये एक संजीदगा मामला, इस पे संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और ऐसे इकदाम करने चाहिए पूरे साल कि इस माह में ऐसा मसला ना हो। लेकिन देखने में ये आया है कि पूरा साल तो हम ये करते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं और स्मोक का राज हो जाता है और हर तरफ धुआं ही धुआं धुंध हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि जी इसके खात्मे के लिए काम करेंगे। जैसे ही इसके खात्मे के लिए हम काम शुरू करते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो धुंध ख़त्म हो जाती है, स्मोक ख़त्म हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि जी चले अगले साल फिर से ही। तो ये जो सिलसिला है ये इसको रोकने की ज़रूरत है और मुस्तकिल बुनियादों पर स्मोक के खात्मे के लिए काम करने की ज़रूरत है। और ऐसे फैक्ट्रियाँ, ऐसे कारखाने, ऐसे जो है ईंटों के भट्टे और दूसरी चीज़ें उनको भी ख़त्म किया जाए ताकि ये मसला हल हो।